हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। 822 बी ए सेट का व्याख्या कीजिए। क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक अभाज्य संख्या है? तो आप भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं को जानते होंगे। अभाज्य संख्याएं भी होती हैं जिसके केवल दो खंड होते हैं, एक और स्वयं, जबकि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से ज़्यादा, और भाज्य भी होती हैं जिनके दो से ज़्यादा खंड होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे संख्या को 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11। तो 2 × 11 हमें यहाँ दिख रहा है कॉमन, तो इसको निकाल लेंगे बाहर। 11 × 2 यहाँ बचेगा, 17 × 5 × 3 + 1, तो 11 × 2 17 × 5 = 85, 85 × 3 + 1, 11 × 2 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 = 25 + 1, तो 11 × 2 और ये हो गया 256। तो मैं इसको करूँगा 11 × 2, 2 से दूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16। तो 11 × 2 × 2 × 2 का दूंगा तो ये बचेगा 64, 2 का दूंगा तो ये बचेगा 32, 2 का दूंगा तो बचेगा 16, 2 का दूंगा तो 8, 2 का दूंगा तो 4, 2 का दूंगा तो 2 और 2, तो 2 × 4, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128। तो मेरे पास हो गए 11 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9, अर्थात इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करें।